इलाहाबाद में कुंभ है, लेकिन कुंभ के आसरे कहीं बात धर्म संसद की भी हो रही है, धर्म सभा की भी, और इन सब के जरिए बात हिंदुत्व की भी हो रही है। एक ऐसे मोड़ पर क्या इस वक्त देश आकर खड़ा हो गया है जो 90 के दशक में राम मंदिर को लेकर इस देश ने आंदोलन देखा था? शायद हिंदू समाज यही मानता है या संत समाज यही मानता है, और खुद अशोक सिंघल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मान रहे हैं देश इस वक्त उसी मोड़ पर आकर एक बार फिर खड़ा है। अशोक सिंघल साहब, क्या हिंदुत्व का आसरा और राम मंदिर की बात कहने की जरूरत फिर आ गई है? देखिए, 30 सितंबर 2010 को जो 60 वर्ष के बाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है, तो उन्होंने तो बड़ा 60 वर्ष के बाद ये स्पष्ट कहा कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, और जो मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड का चल रहा था उसको उन्होंने कहा कि ये निरस्त होता है, मुकदमा हार गए। जब ये बात देश भर के सामने चली गई कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, तो क्या उनका मंदिर एक कपड़े के मंदिर में बना रहेगा या गौरव के अनुसार 70 एकड़ भूमि में एक विशाल विराट मंदिर बनेगा? यह बड़ा भारी प्रश्न हिंदू समाज के सामने है आज, और इसलिए समय आ गया है। हमारे संत बराबर कह रहे हैं ये कोर्ट से इसका निर्णय नहीं हो पाएगा, इसका निर्णय संसद में ही होना है, और संसद को तय करना चाहिए कि 70 एकड़ भूमि में ये राम जन्मभूमि का ही निर्माण होगा। और दूसरा, हमारे संत शांति चाहते हो, उन्होंने साफ कहा है कि सांस्कृतिक सीमा में हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रख करके, 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ध्यान में रख करके मुस्लिम समाज से हमारा कहना है कि भाई आप इसकी सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर किसी नई मस्जिद का निर्माण मत करिए, इतनी बात सुनिए और मानिए जिससे कि हम शांति के साथ रह सकें। अब इस विषय पर कुंभ का अवसर आ गया है, हमारे संतों ने पहले भी और कहा है कि बड़े महाजागरण करने की आवश्यकता है। दो बैठकें हुई थी, एक जून के महीने में हुई, ये हमारे हरिद्वार में हुई, दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को हुई, ये दिल्ली में हुई, और इन बैठकों में लोगों ने कहा कि हमें महाजागरण करने की आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं कि ये जो कपड़े में मंदिर है ये इसका विशाल मंदिर बने और संसद में ये बात सामने आए, तो इसके लिए एक कार्यक्रम बना है। हमारे संतों ने ही बताया है कि विजय मंत्र के जाप, 13-13 करोड़ मंत्रों के जाप, ये हमारे 6 लाख गांव हैं, इसमें मिलकर के सब लोग करें और उनकी इकाइयां बनाएं। 800 जिले हैं, किसी जिले में 3 इकाइयां बनेंगी, किसी में 2 बनेंगी, करोड़ों लोगों को हम इस जाप के कार्यक्रम में लगाएं। ये बात हमारे इन दोनों, इसको विजय मंत्र कहा है उन्होंने, अजय समाज को बनाने के लिए उन्होंने कहा है, एक छात्र धर्म लोगों में के पैदा हो इसके लिए उन्होंने कहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे संत निर्णय करते हैं कि ये इतने बड़े जाप के बाद कोई निश्चित हमें करना पड़ेगा इस सरकार को कि भाई आप संसद में इस बात को लाइए। नहीं, आप एक बात कह रहे हैं, अदालत को नहीं मानते हैं, संसद निर्णय ले ले, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक आंदोलन की बात हो रही है शायद, कि आप आंदोलन भी करना चाहते हैं, कि आंदोलन तय कर लेंगे, कि आंदोलन करेंगे इस देश के भीतर। अब देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट की बात को नहीं मानते, 60 वर्ष तक करते क्या रहे हम, किंतु अब ये कोर्ट का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे जब संत अब चाहते हैं कि संसद के भीतर इस बात को लाया जाए, और संसद को फिर हमें समय देना पड़ेगा कि भाई आप इस तारीख तक आप तय करिए, अगर आप नहीं इसको संसद में लाते हैं तो एक आंदोलन छिड़ने की स्थिति इस देश के भीतर बनेगी, और वो आंदोलन मामूली नहीं होगा, वो रामभूमि का जैसा आंदोलन चला है वैसा ही एक विशाल बड़ा एक बवंडर मचाने वाला पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। और मैं समझता हूं कि इस बात को सारे देश के लोग देख रहे हैं कि भाई इस मंदिर के विषय में मुझसे हर व्यक्ति पूछता है कि भाई मंदिर कब बनेगा, तो मंदिर तो हिंदू समाज की शक्ति के सहारे ही बनने वाला है, जब उसकी शक्ति खड़ी होगी तो पूरे देश के भीतर ऐसी सरकार बनेगी जो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, ऐसी ही सरकार भविष्य में चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि
राम मंदिर की बात करते हुए एक वक्त सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी। अब के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन खो दी है, क्योंकि उसकी पहचान वही रही, या वो बदल गई है, या आप लोग चाहते हैं कि अब ना बदले, वो फिर से उस रूट में लौटा है? चाहते क्या है, क्योंकि संसद की बात आप कर रहे हैं और आप संसद में तो जा नहीं रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा जो उसके ऊपर से विश्वास इसलिए हटा था कि वे जिन मुद्दों पर जीत कर गए थे उन्होंने उन मुद्दों को छोड़ दिया। राम जन्मभूमि का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया, 370 का उन्होंने विषय छेड़ दिया उन्होंने, और समान जो फैमिली प्लानिंग है, जो कानून है, ये इसको छोड़ दिया। तो ये तीनों बातें बड़ी महत्व की थी, अयोध्या 370 और कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या और 370, ये छोड़ा, तीनों बातें छोड़ दी इन्होंने, तभी तो सत्ता में आ। अच्छा, इन्होंने कोई, इन्होंने इन्हीं सब विषयों को लेकर के तो सत्ता में आए थे और इन लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के कारण से संतों ने भी इनको छोड़ दिया। और मैं समझता हूं कि ये जो संतों ने छोड़ा है, पिछले आज कम से कम तो भी मैं ये बोल सकता हूं कि ये 12-15 वर्ष तो हो गए जब संघ इनसे एक प्रकार से असंतुष्ट हो गए। आप बड़ा बड़ा संकेत दे रहे हैं कि संतों ने छोड़ दिया। हाँ? आपने मुद्दे छोड़ दिया, हमने संतों ने छोड़ दिया। हाँ? और संतों ने छोड़ दिया तो इसलिए शायद ये सत्ता में नहीं है। तो अगर ये नहीं, इस मुद्दे को पकड़ेंगे तो सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सही है, यही मुद्दे हैं जो उनको सत्ता में ले गए थे, और यही मुद्दे हैं जिन जो उनको अकेले ही सत्ता में पहुंचा सकते हैं, अकेले ही सत्ता में। मेरा मानना है ये 180 गए थे, ये अगर इन मुद्दों को पकड़ेंगे हिंदू समाज की भावनाओं के साथ, वो तद्रूप हो जाएंगे तो वो 300 तक पहुंच सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। किंतु अगर वो हिंदू समाज की भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहने वाले, क्योंकि संत वो किसी के सहारे नहीं खड़े हैं, संतों की अपनी शक्ति है इस देश की। तो आप समझाएंगे भी क्या उन्हें, क्योंकि राजनाथ सिंह तो आने वाले हैं कुंभ में। देखिए, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आपको लगता है वो समझेंगे इन चीजों को? अब संकेत मिलेंगे तो समझेंगे। उनको संकेत दिए जा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनको अपना भविष्य देखना है तो उन्हें कुछ एक नया संकल्प लेना पड़ेगा, पिछली भूलें उनको दूर करनी पड़ेंगी, और उनको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि ये सारे विषय हैं, ये नॉन नेगोशिएबल हैं, इन पर कोई समझौता नहीं होगा, इस बात को स्पष्ट रीति से कहना पड़ेगा, तब समाज में वो विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सही है कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये, और फिर उसके पीछे ये सब प्रकार के संघर्ष में जुट गए, तो निश्चित रूप से समाज का विश्वास प्राप्त करेंगे, संतों का विश्वास प्राप्त करेंगे। और उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे, आंदोलन? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने वाला भारतीय जनता पार्टी में कोई भी है। ये एक संकेत भर नहीं है, बल्कि एक लिहाज से निर्देश भी है, क्योंकि अगर सत्ता में पहुंचना है तो रास्ता मंदिर के रास्ते ही जानेगा। तो इंतजार कीजिए, संत समाज निर्णय लेगा, और बड़ा निर्णय लेगा, ये तो हम कह ही सकते हैं। बिल्कुल बड़ा निर्णय लेगा, और उस निर्णय के आश्रय कहीं ना कहीं, देखिए वो किसी के आश्रय निर्णय लेने वाला नहीं है, वो निर्णय अपनी ताकत के बल पर लेने वाला, और उसमें सारी हिंदू शक्तियां उसमें जुड़ जाएंगी, जैसे पहले जुड़ गई वैसे अब फिर जुड़ जाएंगी। चलिए, हम इंतजार करें, 7 तारीख को बड़ा निर्णय होता है, आइए आप। नहीं नहीं, हम इंतजार करेंगे, और ये वाकई एक संकेत नहीं बल्कि एक निर्देश भी है, और एक लिहाज से एक पुराने आंदोलन की आहट दोबारा सुनाई दे रही है इलाहाबाद में। तो हम इलाहाबाद में हैं, और कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ अन्य प्रसून वाजपेयी, इलाहाबाद आज तक।